नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यू आर गॉड। और आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जो बात आपको बताने वाला हूँ, मुझे लगता है कि मुझे नहीं बनाना चाहिए वीडियो। ऐसा लगता है मुझको कि ये उचित नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद जैसी भगवान की इच्छा। देखिए, मैंने एक दृश्य देखा था, उसके बारे में आपको बताया था, या वो वीडियो देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। मैंने बनाया नहीं बनाया, अपलोड किया है या नहीं किया है। देखिए, मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं एकदम से छत पर गया और एक शक्ति, मतलब एक स्त्री, मैंने एकदम दौड़ करके और डोली के पास जाकर के नीचे कूदती हुई देखी गली में। और वो जो स्त्री कूदी ना, तो मुझे लगा कि वो मर गई, तो मैं दौड़ के गया और मैंने नीचे जमीन पे देखा तो वो मरी हुई थी, खून फैला हुआ था नीचे जमीन पे और वो मर चुकी थी। इस तरह का दृश्य देखा मैंने। अब वो कौन थी, क्या थी, मुझको पता नहीं है। मतलब मुझे को ऐसा लगा जैसे, तो अब वो कौन थी, उनकी शक्ल सूरत मैंने नहीं देखी। तो देखिए, अब उसी क्षण सामने वाले मकान से, हमारे घर के जो सामने वाला मकान है, उसमें से एक जो उनकी मालकिन है, उनकी आवाज आई कि हाँ आ जा तू। तो ये आवाज आई थी पहले, और वो उसके तुरंत बाद ऐसी घटना हो गई। तो वो जो दृश्य था ना, वो बड़ा ही दर्दनाक था और बड़ा ही दुखदायी था मेरे लिए। मैंने कहा ये क्या हुआ, और बड़ा ही कंफ्यूजन वाला था, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे जितने भी स्वप्न दृश्य होते हैं ना, वो सब भविष्यवाणियां बनते हैं। जी हाँ, इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। और मेरे तो हुआ क्या, अभी कल कल दोपहर में वो भविष्यवाणी जो है ना, वो एक विशेष रूप में सत्य साबित हो गई। देखिए, हमारे घर के सामने वाले लोगों ने पिंजरे में तोते पाल रखे हैं, तोता पाल रखा है। अब वो पिंजरा ऊपर रखा हुआ था, वो ऊपर से गिर गया। गिरते ही वही जो हुआ, जो मैंने देखा था, वो जो पिंजरे में जो था वो पक्षी, वो मर गया। और वही जो मैंने दृश्य देखा था, तो वो जो शक्ति मैंने देखी थी ऊपर से गिरती हुई, वो तोता था जो पिंजरे में कैद था। अब देखिए, ये जो मैंने बात आपको बताई ना, तो पक्षियों को पिंजरे पर मत रखिए, जहां तक हो सके उनको खुले आकाश में छोड़ दीजिए, और वही ज्यादा बेहतर रहेगा, ये मतलब मुझको लग रहा है। बाकी फिर आपको जो उचित लगे वो कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।